सबसे पहली बात भैया, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, बिश्नोई का पर्सनल मामला नहीं है, पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। अगर आपकी एक माफी मांगने से सारा मामला खत्म हो जाता तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर मेरे एक माफी मांगने से, अगर सलमान खान की भी तो नाक पे बात आ गई ना, अब सलमान खान का भी तो एम है भाई, वो स्टार है, सुपर स्टार है, या फिर ईगो देख लो या फिर खत्म हो जाओ। वो सलमान खान है, हाँ, वो डरने वाला नहीं है। मुसलमान किसी बाप के से नहीं डरता है, एक अल्लाह के अलावा, ठीक है ना। सलमान खान की हालत खराब है, बुलेट प्रूफ जाके गाड़ी मंगवा ली। वो सरकार सिक्योरिटी दे रहा है, मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला अल्लाह के हाथ में है, ओए कोई बदमाश के हाथ में नहीं है। अच्छा काम भी गिनवाओ। सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए नहीं, सवाल यही है। क्या नाम है? जुबेर। जुबेर, क्या लग रहा है? दबंग हुन दबंग कह रहे माफी मांगो। सही कह रहा भाई, हिरण मार दिया उनका, कोई छोटी बात है? वो तो कह रहे मैंने थोड़ी मारा हिरण, उसके कहने ही क्या लग रहा है आपको? हिरण मारा है या नहीं मारा है, क्या है आप? वो तो कह रहे हैं कि मजीद गवाह है, हिरण मारा था या नहीं? हिरण मारा था, हिरण मार जाएगा, माफी नहीं मांगने गए, माफी नहीं मांगने गए। कौन है? सलमान खान। माफी नहीं मांगने गए? नो, उसके बाप ने बोला माफी नहीं मांगेगा, माफी मांगेगा तो जेल में जाएगा, और वहाँ जाएगा मंदिर में माफी मांगेगा तो वहाँ नहीं बचने का। दोनों तरफ है फंस रहा, अब वहाँ माफी मांगेगा जाएगा मंदिर में, वहाँ नहीं बचने का, अब वो माफी मांगेगा तो जेल में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई तो कह रहे हैं माफी मांग लो बिश्नोई समाज के मंदिर में जाके, बच जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। वहाँ जी बचका होगा, जी भी तो मांगेगा, वहाँ तो बच के ही आ जा, और माफी मांगेगा तो जेल में जाएगा। वो तो ठोक के कह रहा ना लॉरेंस बिश्नोई की माफी मांगो आप चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाप ने मना कर रखा, सलीम खान ने मना कर दिया, ये कहा है माफी मांगी है ना, अब माफी मांग ली जेल में जाएगा, और वहाँ जाएगा। कहा कि मेरे बेटे ने कुछ छींटी नहीं मारी आज तक, वो कहाँ हिरण मार देंगे? 1998 में राजस्थान में क्या मारा था, 26-27 साल हो गए, क्या मारा था? हिरण मारी थी नहीं मारी थी? तो क्यों मारी थी भाई जी? कोई मना कर रहे, सलमान खान भी मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं मारा, उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि इसने नहीं मारा, तो लॉरेंस बिश्नोई। उसके बाप ने तो समझा रखा उसको, आ तो माफी मांगे तो जेल में जाएगा, अरे वहाँ जाकर मांगेगा तो वहाँ नहीं बचकाने का, डर के हट गया जा रहा पक्का में पक्का। आज जो मारा ना, जो बाबा सिद्दीकी मारा है, सारा पैसा सलमान खान की फिल्म में इस्तेमाल हो रहा था, सारा 1 करोड़ आज जो भी कुछ था सलमान खान उसके उस था। तो क्या लग रहा, सलमान खान डर गए क्या? डर उसकी, उसके बाप ने कहा है जो मरा है उसका हमारा वास्ता मतलब नहीं है। सलमान खान बोल रहे हैं क्या, क्या कहेंगे सलमान खान, डर गए क्या? आज जो भी घटनाएं चल रही हैं देश के अंदर, बहुत अपात जनिक चल रही हैं। यहाँ का मुस्लिम ये समझ रहा है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान में कभी जाके देखा वहाँ की मुस्लिम की आबादी कितनी है? मुस्लिम की आबादी वहाँ की देखो और हिंदुस्तान की आबादी देखो, यहाँ के मुस्लिम वहाँ की मुस्लिम में आबादी में अंतर है या नहीं? हिंदू मुस्लिम वाला मामला कहाँ से आ गया? मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम का ही, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अरे आबादी से क्या लेना, आबादी का मतलब मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें? तो बेमतलब की बातें हो गई ना, मतलब की बात। सलमान खान से कहा जा रहा है हिंदुस्तान में रह रहा है, उसे माफी मांगने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, मुद्दे पे हो ना वो बोलो बात। उसे अगर हिंदुस्तान में रहना है तो उसे माफी मांगने का पूरा अधिकार है। सलमान खान ने जब इतना कह दिया है कि दूसरी पार्टी ने कह दिया माफी मांग लो मैं तुम्हें बातचीत बरी कर दूंगा, तो माफी मांगने में क्या बुराई है? क्या इनसे पूछो माफी मांगने बात। सबसे पहली बात भैया, ये सिर्फ क्या बोलते हैं बिश्नोई का पर्सनल मामला नहीं है, पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। अगर आपकी एक माफी मांगने से सारा मामला खत्म हो जाता तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर मेरे एक माफी मांगने से, अगर सलमान खान की भी तो नाक पे बात आ गई ना, अब सलमान खान का भी तो एम है भाई, वो स्टार है, सुपर स्टार है, या फिर ईगो देख लो या फिर खत्म हो जाओ। सलमान खान अगर, या तो अपना ईगो, अगर सलमान खान ने सबसे ज्यादा फिल्में बनाई, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, अगर उनको अगर किसी ने, अगर पार्टी ने, अगर आपका बेटा आपके अगर कोई गलती कर रहा है आप उससे देखो, अगर बेटा आपने गलती, काज ने तो मना कर दिया ना उनके पिताजी सलीम खान, वो तो कह रहे कोई गलती नहीं हुई है, सलमान खान क्यों माफी मांगे? उनको हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, हाँ कायदे में की बात है। और उन्होंने कई सुपरस्टार फिल्में बनाई हिंदुस्तान के लिए, जान और जहदत दी है उनकी चीजों के लिए। सलमान खान वाला पूरा मामला चल रहा है, इधर आइए सब इनसे बात करेंगे, इधर आओ तुम, इधर आओ, डिस्कस यहाँ हो रहा है ना कैमरे पर। सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, क्या लग रहा है सलमान खान अब माफी मांगेंगे, सलमान खान में डर है या फिर सलमान खान बेखौफ है? अरे यार कहा है कि माफी मांगेंगे यार, एक बात सुनो, माफी कितना दफा मांगाओगे इनसे बताओ? 5 साल कैद भी, इनको सजा भी हुआ, 1 लाख रुपए जुर्माना भी दिए, 20-22 साल से चक्कर भी लग रहा कोर्टों का, भाई वो माफी तो कोर्ट मंगाएगा ना, या 5 साल मंगाए उनसे या 10 साल मंगाए,
या इसको इंडिया से बाहर कर दे, वो सजा कौन देगा? कोर्ट देगा, आम जनता नहीं देगा उसको। अगर आपको कानून अपने हाथ में लेना था तो कोर्ट क्यों भेजा था? फिर अपने हाथ में कानून ले लेते। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बिश्नोई से, लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगे, वो तो कह रहे हैं बिश्नोई समाज के मंदिर में चले जाएं। बात सुनो, माफी तो कब मांग ले उसने कोर्ट में? मेजर चाह सामने जब माफी मांगा तभी तो उनको बेल दिया गया। तो वहाँ बिश्नोई समाज के मंदिर में सलमान खान को जाना चाहिए, आपको लगता है कि जो पूरा विवाद चल रहा है इसके बाद? सलमान खान ने एक गलती करा तो उसको दिखा रहो, अच्छा काम भी तो बताओ। क्या का अच्छा काम करता हो? विकलांगों को हॉस्पिटल चलाते है, कैंसर के हॉस्पिटल चलाते हैं। हम बताएंगे आपको, आप से बात करें। सुन लो पहले, गलती होते हैं, ठीक है, गलती होते हैं। इसको माफी मांगना पड़ेगा क्यों? गलती इंसान से होती है, ठीक है। हमारे देश में बड़े बड़े बलात्कारी को अब तो नमाला पहना तो उससे माफी नहीं मांगाते हो। बीजेपी में शामिल सलमान के साथ डर क्यों गए हैं? उनमें खौफ पैदा क्यों हो गया? नहीं नहीं दुबई से गाड़ी मंगा दी है। वो सलमान खान है, हाँ, वो डरने वाला नहीं है। मुसलमान किसी बाप के से नहीं डरता है, एक अल्लाह के अलावा, ठीक है ना। सलमान खान की हालत खराब है, बुलेट प्रूफ जाके गाड़ी मंगवा ली। वो सरकार सिक्योरिटी दे रहा है, मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला अल्लाह के हाथ में है, वो कोई बदमाश के हाथ में नहीं है। अच्छा काम भी गिनवाओ। 2014 से उसको मारने के लिए सुगारी दे रहा, कितना को पकड़ा तब नहीं बोल पाया। अभी जो हुआ उसका खासी के आप माफी मंगा रहा, किस जुलूम में? उसने 10 करोड़ का फिल्म बना रहा, 1 करोड़ अपना 9 करोड़ गरीब का नाम पे करता। वो कौन? सलमान खान। वो तो कह रहे हिरन को मार दिया सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई गुस्से। हिरन को मारा तो आज का है, हालांकि आज से 25 साल पहले का है। लॉरेंस बिश्नोई से इतना डर क्यों रहा है सलमान खान? लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डर रहा, वो खुद का अपना दिल से डर रहा। खुद का दिल से डर रहा? हाँ। बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा लिया। अरे बुलेट प्रूफ क्या, वो तो पूरा मंगा लेगा ना, उसके ऊपर खतरा है। वो कह रहे कि माफी मांग लो, मामला सर। अभी किस बात का लेगा? उसने कौन सा गलती किया, कौन सा उसने गुनाह किया ये बताओ। सलमान खान क्यों माफी मांगे? कोई गलती नहीं किया सलमान खान ने? अब यहाँ पे कौन सा पेपर भाई साहब, मीडिया लाइन पे मीडिया। अभी ये भाई साहब ने कहा, अभी इनसे पूछो, अभी एक शब्द दिखा, जरा कैमरा इधर करें। हाँ इधर ही है। आपको एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार होता है, आप पत्रकार के ऊपर एक लांछन लगा रहे हैं, पत्रकारों ने उछाल दिया, इसका जवाब दें आप। जरा कैमरा इधर करके इनको जवाब। पत्रकारों ने थोड़ी उछाला, मामला चल रहा है। जोश कैसे आ रहा तुम्हारे अंदर? आप देखें आपका उछाल दिया, उछालने की बात तो सुनो, आपकी सम्मान की बात है, आपकी प्रतिष्ठा की बात है, आपके सम्मान की बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। मीडिया वालों ने गलत उछाल दिया। ये कह रहे मीडिया ने कहा गलत उछाला? सलमान खान वो तो सब कुछ दिख रहा है। सलमान खान बुलेट प्रूफ जैकेट में, जो सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी ले आए, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी, सलमान खान की शेरा से शेरा कहा शेरा। आपका कहने का मतलब है क्या, आज जो सलमान खान को धमकी दे रहा, किसी दिन हमारा पीएमजी को धमकी देगा उसमें भी चुप बैठोगे आप लोग? बराबर क्यों दे रहे हो आप? जेल में एक बदमाश धमकी दे रहा, लोगों को मार रहा है, उनको तो कुछ अनभग लोग है, इनके जैसे अनभग लोग जो है ना, पता है क्या कर रहा है? उनको इलेक्शन में भी खड़ा। वो कह रहे हैं कि आज सलमान खान को दे रहे हैं, कल उसको दे। आप मीडिया के व्यक्ति हैं, उस मीडिया एक मैं जानता हूँ स्वतंत्र होता है भारत देश में, उसमें भारत देश की या किसी, आप मुद्दे को दूसरी तरफ मत लेके जाओ, ये कह रहे हैं मुद्दे के ही रूप में जाए। यूँ कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई कल को तो प्रधानमंत्री को भी धमकी देंगे। कौन लॉरेंस? अगर वो धमकी दे रहा है तो आपकी बेइज्जती है, सबसे बड़ी आपकी बेइज्जती है। जो धमकी दे रहा है वो बेइज्जती नहीं है देश का? क्यों? देश का बेइज्जती नहीं है। आप कहाँ रह रहे हैं? आप कहाँ रह रहे हैं? मैं कहाँ रह रहा हूँ? आप कहाँ रह रहे हैं? मैं तो आप बताओ सलमान खान को मार। चांदनी चौक कहाँ पे है? कहाँ पर है? अमरीका में है। अमरीका में? भारत, भारत में अमरीका में है चांदनी चौक। आप जो मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, पता क्यों आया? ये ताली बजाने आया, इनके कुछ भड़काऊ भाषण दे दे, इनके लिए ताली मार दे कोई, ताली बजाने आया। ये भड़काऊ भाषण देते हो? ये सच्ची बात नहीं बोलेगा? अगर सच्ची बात हमारा देश में, मैं मानो भड़काऊ भाषण देते हो? कौन सी बात? ये देने आए ना, ऐसा कुछ बात कह दू मुसलमान के खिलाफ और घर में जाके बीबी बोलेगा, हाँ देखो मुसलमान को मैं डांट के आया हूँ। अरे सुन लो, अरे मुझे मत सिखाओ, मुझे मत। खान साहब।